और जब केमिकल डालेंगे तो क्या होगा कि जल्दी से फ्लावरिंग आ जाएगी और जल्दी से फ्लावरिंग चली जाएगी तो आज का जो वीडियो है वो हाईली डिमांडेड टॉपिक था और मैंने प्रवीण जी को बोला कि जो लास्ट टाइम मैं, मैंने आपके घर पर देखा था गेंदे के फूल और वो गेंदे का फूल बहुत दिनों तक टिका हुआ था अप्रैल मई की बात होगी जब मैंने उनके पास गया था और मैं देखा गेंदे के फूल उनके अभी भी उनके पूरे गमले में भरा हुआ था तो मैंने पूछा कि क्या रीज़न है तो उन्होंने कहा कि ठीक है दादा तो मैं आपसे शेयर करूंगा और एक वीडियो बना दूंगा जब ये मौसम स्टार्ट होगा जब विंटर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो तब मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर जरूर करूँगा तो आज का वीडियो उसी के टॉपिक पर है तो कई लोग पूछते रहते हैं कि मिश्रा जी आखिर क्या प्लांट्स सेल करते हैं और या फिर अगर हमें बाई करना है तो कौन से प्लांट्स बाई कर सकते हैं कितने में कर सकते हैं ये सारे सवाल होते हैं आप लोगों के तो प्रवीण जी प्लांट्स सेल नहीं करते हैं प्लांट पर रिसर्च करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि आखिर अगर वो प्लांट्स अगर आप लेके आते हैं नर्सरी से या कहीं से भी आप लेके आते हैं तो उस उसका यूज़ मतलब उसको अगर आप केयर करना है प्रॉपर तरह से कैसे ग्रो करना है उनसे फ्रूटिंग कैसे लेना है उनसे फ्लावरिंग कैसे लेना है इस पर वो काम करते हैं तो वो रिसर्च वर्क करते रहते हैं हर एक प्लांट्स पर और वही हम आपसे शेयर करते हैं इस वीडियो वीडियो के थ्रू तो अगर इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है अगर आपको वो भी ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं तो वो लगातार वो जो आ, इनका व्हाट्सअप ग्रुप है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है टेक्स्ट मैसेज हो जाए वीडियो हो जाए या फिर अगर आप ऑडियो मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो सब चीज़ें हो जाती है वहाँ पर और प्रवीण जी वहाँ पर लगातार आपको गाइड भी करते रहते हैं तो गाइड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपसे शेयर करते हैं कि अगर विंटर फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए और लॉन्ग टर्म तक चाहिए और लगातार चाहिए तो कैसे मिल सकता है इसी पर आज का वीडियो है तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्मानित नागरिकों नमस्कार मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ दैली डूट्स चैनल पर और आज आपके ले लेके आऊँ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक क्या लेके आए प्रवीण जी आज खूबसूरत टॉपिक आज एक खूबसूरत टॉपिक यह है कि जब भी आप नर्सरी से फ्लावर्स लेके आते हैं तो उस फ्लावर्स को कैसे लगाना है कैसे मेंटेन करना है और क्या क्या चीज़ें बारीकी जरूरत होती है उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज का विशेष टॉपिक है लास्ट टाइम जब हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने देखा था कि मई जून तक आपके गेंदे के जो पौधे हैं ना वो चल रहे थे तो मेरे को मैंने उस समय आपसे पूछा था कि ऐसा क्या डाला आपने कि जो फ्लावरिंग है वो अभी भी पूरे गमले में हो रही है तो आपने कहा था कि इसमें कुछ डाला है तो क्या ये मैं सही हुआ आ उसी के बाद हाँ, बिल्कुल सही है देखिए क्या होता है कि एक तो घर में खुद सैपलिंग आप तैयार करते हैं या फिर आप सैपलिंग ले आते हैं कहीं भी बाजार से नर्सरी से ठीक है तो इसमें जो तकनीक है वो ये है कि घर में जो आपने उगाया है और नेचुरल फार्मेट में उगाया आपने तो ये ज़्यादा समय तक चलेंगे आपके और आपके साथ उनका इमोशनल बॉन्ड भी होगा दूसरी बात ये होती है कि आप जब नर्सरी से पौधे ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला एक टाइम हो जाता है आपके लिए एक तो आपने ले भी आए उसे लगाते भी हैं फिर ये अच्छे से नहीं चल पाते हैं जनरली जो होता है कि जितने भी उसमें बर्ड्स होते हैं वो खिलते हैं और उसके बाद जो प्लांट होता है वो मरने वाले हाँ जी चला जाता है हाँ जी ऐसा ही होता है ज़्यादातर समय में ऐसा होता है तो इसी के ऊपर आज का फोकस टॉपिक है टॉपिक में बात होगी कि आपको क्या करना है कहाँ पर मिस्टेक हो रही है उसी मिस्टेक को सिर्फ सुधार की दिशा में ले आएंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप नर्सरी से पौधे लेके आएंगे तो उनको लगभग चार से सात दिन तक किसी ऐसे जगह में आप अपने यहाँ रखिए जहाँ पर सेमी शेड हो लाइट उनको मिल रही हो डिफ्यूज लाइट और वो वहाँ पर रख के उनको सेट होने दीजिए सेंटिमेंटल रूप में भी सेट होने दीजिए इन्वामेंटल भी सेट होने दीजिए और उनको भी एक लगाव जुड़ाव आपके साथ हो जाए ऐसे इस तरह से भी आप उनको सेट होने दीजिए अपने घर में वाटरिंग कीजिए हल्के हल्के अभी विंटर टाइम है तो आपको ड्यू में रखना है और मॉर्निंग में सिर्फ दो घंटे की धूप लगे या फिर इवनिंग में सिर्फ दो घंटे की धूप लगे ऐसी जगह में इसका प्लेसमेंट आप कर दीजिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाए इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए जो बहुत ही आसान तरीका है वो ये है कि आपको 10 किलो सॉयल लेना है इसमें ढाई किलो रेत मिलाना है ढाई किलो कंपोस्ट मिलाना है अब ये कंपोस्ट क्या क्या चीज़ इसमें है उस पर ध्यान दीजिए पहला तो इसमें है जो आपका किचन वेस्ट है वो ले लीजिए टी कंपोस्ट है वो ले लीजिए काउडंग कंपोस्ट है वो ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट है वो ले लीजिए इन सारी चीज़ों को मिला के आपको ढाई किलो तक लेना है, है। अब कैसे ले सकते हैं चूँकि चार पाँच आइटम है तो एक किलो या हाफ किलो तक का रेशियो ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सभी को अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर पॉट में मिट्टी के साथ मिलाइए इसके बाद का जो रोल आता है वो आता है ये लीफ कंपोस्ट का लीफ कंपोस्ट अपने आप में ही बहुत ही स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जैसा भी काम करता है और एक फॉलियज भी देता है ये बहुत शानदार रिज़ल्ट आता है चूँकि मैंने इस पर किया है काम तो उसका रिजल्ट भी लिया है खास करके लीफ कंपोस्ट और टी कंपोस्ट के साथ जो मैंने कॉम्बो बना के लगाया था लास्ट ईयर हाँ। बहुत लंबे समय तक फ्लावर रहे अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको और क्या मिलाना है इसके साथ तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसमें एक किलो तक नीम खली मिलाइए नीम खली भी हाँ जी हाँ। और आप इसमें हल्दी मिलाइए 20 ग्राम तक 10 ग्राम तक ब्लैक पीपर का पाउडर मिलाइए और मिलाइए 20 ग्राम तक चूना अच्छा इन सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से बैलेंस में मिला लीजिए यहाँ पर आपका ये घरेलू तरीके से जो बनाने की ज़रूरत है सॉयल मिक्स उसके बारे में बात कर रहा हूँ अब इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए कि और क्या हम फंगीसाइड मिलाएंगे या क्या बायोपेस्टिसाइड मिलाएंगे या क्या हम रूट बूस्टर मिलाएंगे तो इसके लिए हम पूरी तकनीक बताते हैं अपने ट्रेनिंग में कि आप किस तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल वे में करेंगे जिससे कि आपकी ये सारी चीज़ें चलते रहे फिर लौटते हैं कि ज़्यादा झंझटबाजी ना हो लोगों को आसान किस तरह से हो और घर में कैसे लगाएंगे अब आपका जब सात दिन हो जाए तो सात दिन के बाद आपके साथ ये पौधों का लगाव हो जाता है तो आप ये ले आइए इनको आपको यहाँ सेंटर पॉइंट पे लगाना है जहाँ सेंटर पॉइंट में आप लगाएंगे वहाँ पर आपको डालना है कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्स अच्छा कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट के मिक्स को मिला के यहाँ लगा दीजिए सेंटर पॉइंट में और इसके बाद ही इसको रिमूव कीजिए मिट्टी को इस मिट्टी को झाड़ लीजिए इसमें आपके रूट्स निकल जाएँ और झाड़ने के बाद आपको इस पर पुटअप कर देना है तो एक बार ये लौटते हैं चलते हैं देखते हैं कि क्या कैसे हम लगा सकते हैं सारी चीज़ें बहुत आसानी तरीके से बनी हुई है और इसके बाद का जो स्टेज आता है वो ये है कि इसमें लगाया कैसे जाए तो मिट्टी को ही बनाना सबसे पहले ज़रूरत होती है ये निकाला आपने निकालने का भी तरीका है इसको फाड़ना नहीं है बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा ये देखिए आप मिट्टी इसकी है ज़्यादा मिट्टी है तो आप रख दीजिए ये रूट्स निकल जाने चाहिए आपके साइड साइड से थोड़े थोड़े ठीक है ज़्यादा भी नहीं निकालना है डिस्टर्ब नहीं करना है इनको ऐसे निकाल के आपको ऐसे प्लेसमेंट कर देना है ठीक है सेंटर पोजिशन में आपने लगा दिया दबाना है यहाँ से जितना भी एयर है वो निकाल हाँ ये टाइट कर देना है अब यहाँ बात आएगी कि पानी कितना डालना है ठीक है तो जब आप इसे लगा रहे हैं अभी तो आपको इतना पानी डालना है कि बस ये यह यहाँ तक लड्डू बन जाए ज़्यादा ना बने देखिए अभी पानी कम है लड्डू नहीं बन रहा है तो आपको यहाँ पानी इसके बंद जाने तक का डालना है मॉइस्चर इतना देखे हो पंद्रह परसेंट बीस परसेंट मैक्सीम से मैक्सिमम डाल देना है ज़्यादा पानी डालेंगे फ्लड इरिगेशन कर देंगे तो ये डिस्टर्ब होगा रूट इसके सेट नहीं होंगे और प्लेसमेंट प्लेसमेंट सेमी सेड में करना है इवनिंग टाइम में शिफ्ट करना है ये तो ये आपका कॉम्बो है ये दो, दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरत होगी एक तो होगी आपकी लिफ कंपोस्ट और दूसरी ये कोकोपिट लेकिन जानकारी चाहिए कि कहाँ कैसे यूज़ करना है और आप लगाइए अब ज़रूरत लगती है कि क्या इसका मेंटेनेंस किया जाए तो जब आपने ये लगा दिया हर पंद्रह दिन में आपको पाँच पाँच परसेंट इसमें ऐड करना है और इसके साथ साथ जब ये इक्कीस बाईस दिन का पौधा हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं बायो एंजाइम बायो इंजाम हाँ बायो इंजाम डाल सकते हैं बायो इंजाम को डालना है आपको एक लीटर नॉर्मल पानी में टेनमल हाँ ये किसी भी तरह का बायो इंजाम ले सकते हैं घर में आपने बनाया है वो भी ले सकते हैं किचन वेस्ट को डिकम्पोज करने के समय में बहुत सारा लिक्विड निकल रहा है उस लिक्विड को भी आप स्टोर कर लेते हैं और वो साठ दिन के बाद भी बायो फर्टिलाइजर बायो इंजाम जैसा काम करता है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी काम करता है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने का है जब तक आपके पौधे नए यहाँ से पत्ते ना डाले नए पत्ते ना दिखे आपको तब तक ये बायोजाम का यूज़ ना करें जड़ सेट हो जाए और ये नए पत्ते आने लगे तो आप बायजाम डालेंगे तो बहुत तेजी से चलने लगेगा अच्छा जी फिर ये लॉन्ग टर्म तक फ्लावरिंग दे देता है हाँ लॉन्ग टर्म तक देगा देखिए यहाँ पर जो टेक्निकल बात है वो ये है कि हमने किसी भी लेवल में कोई केमिकल नहीं डाला है ठीक है और जब केमिकल डालेंगे तो क्या होगा कि जल्दी से फ्लावरिंग आ जाएगी और जल्दी से फ्लावरिंग चली जाएगी यही होता है यही होता है जनरली आप जब नर्सरी से भी लेके आते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी गार्डनर हाँ। बिना फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को घर ले आते हूँ तो देखते हैं कि जो, जिसमें flowering... हाँ जिसमें फ्लावर लगे वही लेके आते हैं जबकि मैं जस्ट इस, इसका रिवर्स उल्टा काम करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं तो वो लेके आता हूँ जब मैं ये लेके आया था तो ये इसके बर्ड्स आ रहे थे इस तरह से देखिए छोटे छोटे बर्ड्स हैं ये खिल रहे थे अब ये हमारे पास सात आठ दिन में ये खिलने लगे तो जब ये खिल जाएंगे फिर ये खिलेंगे फिर ये खिलेंगे ऐसे करके चलते रहेंगे ठीक है, ठीक है? तो यदि ये सब ठीक लग रहा है सही लग रहा है और सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो क्यों ना आप ये सारी चीज़ों को एक सिस्टम के तहत ले आएँ और अपने घर में बिल्कुल एक पौधा एक प्लांटर डेली लगाएं और 30 से 45 दिन में आप ये अनुभव करें कि आप भी हैं बेस्ट गार्डनर तो आइए इस कवायद में जुड़िए और आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगा थैंक यू वेरी मच धन्यवाद तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए तो गाइज आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर नमस्कार